आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 19 जून को पीएम मोदी करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी का दौरा, नीट जीरो कैंपस का करेंगे इफ्तिताह। नीट इम्तिहान को लेकर मुल्क भर में तुलबा का एहतजाज, पटना व दीगर शहरों में एहतजाजी तुलबा ने निकाली रैली, इम्तिहान को मनसूख करने की हुकूमत से मांग। पटना में हजरत सुल्तान अल मखदूम शेख कमालुद्दीन की दरगाह पर सूफी महोत्सव का प्रोग्राम, रियासती वजीर अखिलेती बहबूद ने शमा जलाकर किया इफ्तिताह। बिहार की नीतीश हुकूमत जरूरतमंदों और बेजमीनों की मदद के लिए पुरअज़्म, रियासती वजीर देही तरक्यात श्रवण कुमार का बयान। 19 जून को पीएम मोदी नालंदा यूनिवर्सिटी का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी अपने दौरे के मौके पर नीट जीरो कैंपस का इफ्तिताह करेंगे, जिसको 1,749 करोड़ रुपयों की लागत से 455 एकड़ पर तामीर किया गया है। मोदी के दौरे के पेश नज़र एसपीजी ने वजीर आजम की आमद की तैयारियों का जायजा लिया। यूनिवर्सिटी कैंपस के आला हुकाम के साथ एसपीजी की जानिब से खसूसी मीटिंग बुलाई गई। इसी दौरान सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादले ख्याल हुआ। और ये परिसर जो था पूर्व कालिक जो हमसे पूर्व कुलपति थी उनके दौरान 2017 में प्रारंभ हुआ और ये अब जाके पूर्ण हुआ है और इसके अब विधिवत उद्घाटन के लिए परिसर के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधार रहे हैं। उनके साथ इस कार्यक्रम में विदेश से बहुत से मेहमान आ रहे हैं। मुख्यतः ये है कि ये एक प्रकार का बहुत बड़ा उत्सव है हमारे लिए, एक बड़ी शुभ घड़ी है कि इस बार अब हम नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः उसका पुनर्जीवन नए में लॉन्च किया जा रहा है और इस विधिवत उद्घाटन के बाद अवश्य मुझे मालूम है कि ये प्रगति पथ पे तेज बढ़ेगा। मुल्क भर में नीट इम्तिहान को लेकर हंगामा चल रहा है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने बताया कि नीट इम्तिहान धांधलियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी तुलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया है इसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्नपत्र लीक मामले में हैं सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस पर कानून नीट इम्तिहान को लेकर मुल्क भर के तुलबा में गम गुस्सा देखा जा रहा है। आज पटना व दीगर शहरों में तुलबा ने नीट इम्तिहान को लेकर एहतजाज किया। इसी दौरान मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी तुलबा ने नीट इम्तिहान को मनसूख करने की मांग की है और नीट के एग्जाम में सीबीआई जांच होनी चाहिए और नेक्स्ट बार जो एग्जाम हो सीबीआई की देखरेख में एग्जाम हो ताकि कोई जो है इसमें गड़बड़ी ना कर सके। अब ये बताइए कि केंद्र के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई धांधली नहीं हुई है और बिहार से ही कई छात्र अरेस्ट हुए हैं और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 40 से 50 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर जो है। अखिलेती बहबूद के वजीर जमा खान मानेर के एमएलए भाई वीरेंद्र और म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन विद्याधर विनोद ने मुश्तरिका तौर पर मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत सुल्तान अल मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद यहिया मुनीरी और मानेर के मखदूम शाह दौलत मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मुनक्किदा सूफी महोत्सव प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। पटना में चिराग जलाकर यह इफ्तिताह किया गया। अखिलेती बहबूद के वजीर जमा खान ने कहा कि मानेर सूफी संतों का यह शहर भाईचारे का पैगाम देता है। बिहार सिर्फ सूफी बुजुर्गों के आशीर्वाद से चलता है। मानेर वो जगह है जहां सबसे पहले तसव्वुफ की तबलीग शुरू हुई थी। योग का कार्यक्रम होता है, उनका प्रोग्राम होता है, निश्चित तौर पर हर समाज के हम जाति के लोग रहते भी हैं और एक भाईचारे का संदेश यहां से जाता है। मैं आपके बीच में चूंकि राजनीति मंच नहीं है, लंबी चौड़ी भाषण नहीं दूंगा, आप सबका दिल से गहराई से स्वागत करता हूं, फिर मद्दम करता हूं और नेताजी सुनार जी इस जगह बहुत सारा काम किए भी हैं। जब भी आपको जरूरत हो, मैं आपका घर का बेटा हूं, आपका भाई हूं,
जो भी साथी यहाँ है, जो जिम्मेवार साथी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जब चाहे उनसे मिलकर जो भी यहाँ काम अधूरा होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस में वो काम पूरा होगा। इसी के साथ पुनः एक बार आप सबका मैं स्वागत हर मंगल करते हुए विदा लेना चाहूँ। बिहार की नीतीश हुकूमत ज़रूरतमंदों और बेज़मीनों की मदद के लिए पुराज़िम है। हुकूमत ऐसे लोगों की निशानदेही करने और उन्हें ज़मीन फराहम करने के लिए काम कर रही है। बिहार के देही तरक्की के वज़ीर श्रवण कुमार ने आज बिहार शरीफ ब्लॉक ऑफिस में मुनक़िदा पाम्फलेट तकसीम तकरीब के दौरान ये बात कही। आज रियासती वज़ीर ने बिहार शरीफ ब्लॉक के कुल 107 बेज़मीन ख़ानदानों को अराजी का सर्टिफिकेट दिया। रियासती वज़ीर ने रियासत भर में हो रहे हादसे पर तशवीश का इजहार किया है। हम आज संवेदना व्यक्त करते हैं, हम सब लोग दुखी हैं। इस दुख के घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं और सरकार के तरफ से जो भी मदद होगी, जो भी आर्थिक सहायता होगी, जो भी नियम और कानून में प्रावधान होगा उसके हिसाब से उनके परिवारजनों को संभालने के लिए, संकट के घड़ी का मुकाबला करने के लिए हम मदद करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में इस प्रखंड के सभी पंचायत समिति के सदस्य भी उपस्थित हैं। अररिया में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। अररिया शक्ति ब्लॉक इलाके में पडरिया घाट पर बकरा नदी पर करोड़ों की लागत से बनाया गया पुल मुनहदिम हो गया। ठेकेदार और तामीराती महकमे की लापरवाही की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है। पुल के 3 सुतून दरिया में बह गए हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि 12 करोड़ रुपयों की लागत से ये पुल का काम चल रहा था। रुकने पार्लियामेंट व साबिक वजीर राधा मोहन सिंह ने समस्तीपुर रेलवे डिवीजन के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को आलमी मेयार के रेलवे स्टेशन के तर्ज पर तामीर किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि चांदमारी चौक के आरओबी की तामीर जारी है, जबकि कचहरी चौक के आरओबी को अगस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। नए तामीर किए जा रहे रेलवे स्टेशन में पार्किंग के अलावा दीगर जदीद तरीन सहूलियात होंगी। वर्ल्ड क्लास बन रहा है, उसके निर्माण कार्य की प्रगति किया हमने समीक्षा की है। सारे रेलवे के अधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं और मुझे खुशी हो रही है कि जो लक्ष्य है 2026 तक उसको तैयार करने का, उस दिशा में काम तेजी से बढ़ रहा है। बुलिंग रूम का निर्माण, जीआरपी और पार्सल जो बिल्डिंग है उसके निर्माण का काम शुरू हो चुका है। और इसी तरह से जो मैनेजमेंट भी इसको कर रहा है उसके लिए भी टेम्पोररी ऑफिस का आज से 4 महीना पहले निर्माण हो गया और उसमें आप पहुंचकर उसमें अपना काम तेजी से कर रहा है। और जो रेजिडेंशियल ब्लॉक का टावर है उसके भी निर्माण का काम शुरू है। उस टावर में नीचे में हॉस्पिटल रहेगा और कम्युनिटी सेंटर होगा। इसी प्रकार से PRS के लिए भी टेम्प्रोरी बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है। अब पूरब की तरफ से उसका तोड़ना यहाँ से शुरू है और ऑफिस सब वहाँ शिफ्ट करें तो बड़ी तेजी से यहाँ का काम। सदर हॉस्पिटल बिहार शरीफ एक बार फिर सुर्खियों में है। अस्पताल की अमले की लापरवाही एक बार फिर मंजरेआम पर आई। सरमीरा थाना इलाके में सड़क हादसे में जुमला 4 लोग जख्मी हुए, जिनमें 3 शदीद जख्मी हैं। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को देखने के लिए ना तो डॉक्टर मौजूद है और ना ही तिब्बी अमला मौजूद है और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मरीज को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहाँ पर भी मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इमरजेंसी वार्ड में भी मरीज को खुदा के भरोसे पर छोड़ दिया गया है। मरीज को पूरी तरह से बुरा हाल है और कमर पे सलाइन चढ़ता है यहाँ, और एक भी डॉक्टर ना एक भी यहाँ डॉक्टर है ना एक भी स्टाफ है, इस तरह से बुरा हाल है। तो अभी मरीज कितना देर के बाद अंदर गया? 10 मिनट होता। तो मैंने सीरियस था कि मैंने काफी सीरियस था, रेफर था क्या? रेफर हम नहीं पता है। जहानाबाद जिले में नेशनल हाईवे नंबर 83 के करीब में वाकई कचरे के ढेर से मुकामी लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसके अलावा हाईवे पर से गुजरने वालों को भी परेशानी हो रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि कचरे में जब आग लगाई जाती है तो सूरतहाल मजीद अबतर हो जाती है। आग से निकलने वाले धुएं से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुकामी लोगों ने कचरे के अंबार को दूसरी जगह शिफ्ट करने की इंतजामिया से मांग की है।
हालात हैं वो आपके सामने हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 2-2.5 साल से जो स्थिति है, जो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, सारे लोग नाक मुंह बंद कर करके तकरीबन पार करते हैं इस रास्ते से। पास में कॉलेज देख लीजिए आप, तो जो स्थिति है वो बद से बदतर है। सरकार कसूरवार है, वो कौन का, सारे लोग जो MP हो, विधायक हो, मंत्री हो, सारे शीशा बंद करके वैसी में पार करते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि यहाँ पर नरक है कि क्या है। और आप लोग भी आते जाते हैं तो हम नहीं समझते हो कि नाक मुंह खोल के पार करते होंगे। परेशान है, ये वाटर रिसोर्स का जगह हुआ करता था। मगध की सबसे उत्तम ये यहाँ पर दलहन हुआ करता था। आज ये वाटर रिसोर्स को वहाँ बर्बाद करके ज़बरदस्ती भर दिया गया है कचरे की, कचरा का ढेर जबरन यहाँ गिराया जा रहा है। और प्रशासन को ये नहीं बुझा रहा है, दो दो को हमारे बगल में मर गए, काकूपुर के मर गए, जो वृद्ध आदमी थे उनको सांस फूला और मर गए, एक इनका परिवार मर गया, हजामपुर के थे उनका परिवार। बिहार के जहानाबाद जिले के नंदन बीघा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मची जब जमीन के तनाजे में 6-7 राउंड फायरिंग हुई। इस फायरिंग में रमेश यादव शदीद तौर पर जख्मी हुआ। जख्मी रमेश यादव को जहानाबाद के सदर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने बेहतर इलाज के लिए मरीज को PMCH रेफर कर दिया है। हमारे पास मरीज आए, उनको पैर में और पीठ में, हाथ में घुमा लगा हुआ है। कितने घुमे हैं इसको? हमको लगता है कि मैंने जब देखा तक 4-5 घुमे हुए हैं, कुछ अंदर में है, बाहर से नहीं दिखा। कहाँ से आए थे ये? आए हैं आपको धर्मवीर नाम का है, उल्लासगंज PSC से रेफर किया है। कुछ कारण बता पाए किस कारण? उन्होंने पूछा भी नहीं, बिकॉज मैं डॉक्टर मैंने उनका ट्रीटमेंट किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट बनता है। मुजफ्फरपुर के आहियापुर में नेटवर्किंग कंपनी के ट्रेनिंग सेंटर में नौ उम्र लड़कियों के साथ इस्तेहसाल करने वाले तिलक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम को गोरखपुर से गिरफ्तार किया है। मुतासर लड़कियों ने बताया कि कंपनी के कई अहलकारों ने लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। SP मुजफ्फरपुर अवधेश सरोज दीक्षित ने बताया कि मुलजिम से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि पिछले साल भी इस कंपनी पर छापे मार कर कई लड़कियों को आज़ाद करवा लिया गया था। जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हम लोग का क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हमेशा हम लोग की प्रायोरिटी रही है, और हम लोग हमेशा उस चीज़ को बहुत सेंसिटिवली हम लोगों ने डील किया है और करते भी रहेंगे। रही बात इस मैटर की, तो इस मैटर में लड़की अभी तक एक बार भी थाने पर नहीं आई थी। लास्ट ईयर सेम कंपनी के सेम ब्रांच में, बखरी स्थित जो ब्रांच है उसमें रेड किया गया था। रेड करने पर 7 लोगों की गिरफ्तारी की थी, उस टाइम पर भी लड़की कहीं सामने नहीं आई थी। सेकेंडली जो यौन शोषण की बात की जा रही है, तो इसमें अभी तक जो पूछताछ और अभी तक की जो इंक्वायरी में एक चीज़ सामने आई है कि इस लड़की का एक जो अभियुक्त इसने इस केस में बनाया है उसके साथ में वो रिलेशन में थी, और वो लड़की इस लड़के से शादी करना चाहती थी। पिछले 1.5-2 साल से लगातार प्रेशर डाल रही थी, और जब शादी नहीं हुई और उसके बाद में इसने आकर के। पटना में अनुग्रह नारायण जयंती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में रियासती गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ के अलावा वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार और दीगर वज़रा ने शिरकत की। जयंती तकरीब के पेश नज़र सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। बिहार के रियासती वजीर ने बताया कि जयंती के पेश नज़र वज़ीर-ए-आला और गवर्नर ने तकरीब में शिरकत की और अनुग्रह नारायण के मुजस्मे पर फूल चढ़ाए। प्यार से करते हैं, भाव है उनका, उसमें क्या है, कोई मतलब कोई उसमें कोई पॉलिटिक्स थोड़ी है, कोई राजनीति थोड़ी है उसमें, तो अपना भाव से जो चंदन लगाए हुए लोग थे सबको मिलवा रहे थे, कोई भाव थोड़ी था। तो बहुत दिन बाद इतना चुनाव के हाउच पहुँच के बाद सब लोग, आज पहला कार्यक्रम था 2 महीना के बाद, वो भाव था। औरंगाबाद के नवी नगर में एक तालिबा के कत्ल के मामले में मुतासरा के खानदान से मिलने आए बिहार हुकूमत के वजीर बबलू कुमार नीरज ने सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा कि इस कत्ल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, मुलजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार हुकूमत ने पुलिस इंतजामिया को सख्त हिदायत दी हैं कि इस मामले में जो भी कसूरवार होगा इसे गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए एक घटना घटी है, एक लड़की का हम समझते हैं कि नृशंस हत्या की गई है, जैसा कि अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, सारे पार्टी के लोगों ने बताया है। मैं वहां अभी जा रहा हूं परिवार से मिलने, पीड़ित परिवार से, और मुझे लगता है कि प्रशासन के लोगों को निर्देश भी दिया गया है, ऊपर से भी मेरी भी बात हुई है
कि जो जायज हो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई भी दोषी हो, चाहे दोषी कोई भी हो, दोषी को इस जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, कार्रवाई में लगी हुई है, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की गड़बड़ी होगी। फिलहाल हम अभी जा रहे हैं, मिल रहे हैं, मिलने के बाद विशेष और बात करेंगे। तीन गिरफ्तारी भी है, बिल्कुल, जो भी जिसका भी नाम आ रहा होगा, जिस पर शक जा रहा होगा, गिरफ्तारी हो रही होगी, और भी अगर किसी का नाम आएगा तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी। सर, विपक्ष का कहना है कि क्या यह मंगलराज है? और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। 19 जून को पीएम मोदी करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी का दौरा, नीट जीरो कैंपस का करेंगे इफ्तिताह। नीट इम्तिहान को लेकर मुल्क भर में तुलबा का एहतजाज, पटना व दीगर शहरों में एहतजाजी तुलबा ने निकाली रैली, इम्तिहान को मनसूख करने की हुकूमत से की मांग। पटना में हजरत सुल्तान अल मखदूम शेख कमालुद्दीन की दरगाह पर सूफी महोत्सव का प्रोग्राम, रियासती वजीर अखिलेती बहबूद ने शमा जलाकर किया इफ्तिताह। बिहार की नीतीश हुकूमत जरूरतमंदों और बेजमीनों की मदद के लिए है पुरअज़्म, रियासती वजीर देही तरक्यात श्रवण कुमार का बयान। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है, दीजिए इजाजत, आदाब।